अरे दीदी आप आइए आइए। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा पूजा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया, पर ये क्या, आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं भाभी ने? देखिए भैया, घर की बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है, इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। अच्छा सुन, हाँ अब से तू ये ड्रेस पहनना छोड़ दे और साड़ी पहनने लग जा। पर क्यों, अचानक से क्या हुआ? घर की बहू साड़ी में ही शोभा देती है, समझी? हाँ अच्छा ठीक है। अब इन्हें क्या हो गया? मम्मा कल क्रिसमस है तो आप मेरे लिए गिफ्ट लोगे ना? हाँ बिल्कुल लूंगी बेटा। और बुआ जी मेरे लिए लाओगे? तेरे लिए कुछ नहीं लाएंगे। अरे बेटा ये। हाँ भाभी क्या हुआ? अरे दीदी वो ये कचरा। हाँ तो भाभी आप उठा लो, आप ही का तो काम है। अरे ये कचरा ऐसे क्यों फेंक रही है? क्या भैया, लगता है भाभी ने इसको कोई मैनर्स ही नहीं सिखाए। बेटा जिनल, ये कचरा डस्टबिन में डाल के आ जाओ। ठीक है पापा। भाभी। हाँ वो मेरा ना बैलेंस खत्म हो गया है, तो 2 मिनट फोन दो ना। अरे दीदी मैं जरा माँ से बात कर रही हूँ, आपको बात करके मैं दे ही रही हूँ, बस 2 मिनट वेट करो ना। हाँ मुझे वेट करने को बोला, अब देख। भैया हाँ? आपने भाभी को कितना सर पर चढ़ा के रखा है। मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था तो मैं उनसे बस फोन मांगने गई थी, तो उन्होंने मुझे तुरंत पलट कर जवाब दिया कि अगर इतनी फोन पर बात करनी थी तो अपने ससुराल से रिचार्ज करवा कर आते, यहाँ पे मुफ्त का क्यों उड़ा रहे हो। उसने ऐसा कहा? भैया भाभी ने मेरी क्या इज्जत की, इससे अच्छा तो कल सुबह मैं अपने घर ही चली जाऊंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे देखता हूँ। करिश्मा। हाँ ला मुझे तेरा ये फोन दे। फोन पर क्यों? आज से तेरा ये फोन मेरे पास रहेगा, अगर तुझे बात करनी हो तो मेरे फोन से कर लेना, समझी? पर मैंने किया ही क्या दीदी, आप जरा उन्हें समझाइए ना, उन्होंने मेरा फोन ले लिया। ओफो भाभी, ये आपका घर है, आपका परिवार है, इसमें मेरे बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। ठीक है। और कैसे हो भैया? मैं बढ़िया, तू काफी दिनों बाद आया। अरे आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख के आया, क्या स्टेटस रखते हो आप? इसे मैंने खुद एडिट करके बनाया है। क्या, पर वो कैसे? देख ये है वीटा ऐप, ये वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। बस प्रोजेक्ट में जाकर न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर और जो वीडियो एडिट करने हैं उन्हें सिलेक्ट कर। अब देख यहाँ पे हमें वीडियो एडिट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि वीडियो को ट्रिम करना, इफेक्ट डालना, वीडियो का रेशियो सिलेक्ट करना, म्यूजिक, स्टिकर, स्पीड और भी बहुत सारे फीचर सिर्फ एक ही ऐप में। पर भैया इसमें खास क्या है? ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसमें एक्सट्रैक्ट म्यूजिक का एक खास फीचर है जिससे हम बिना किसी वीडियो को लिए सिर्फ उसकी ऑडियो को ले सकते हैं। और ये देख यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स में से एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर, उसमें फोटो या वीडियो को ऐड कर, और ये देख बिना किसी मेहनत के वीडियो एडिट भी हो गई। इस ऐप से हम किसी भी तरह के वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप स्टेटस एंड और भी बहुत सारे। पर पक्का इसमें वाटरमार्क होगा? हाँ है, पर सेटिंग में जाकर वीटा वाटरमार्क को डिसेबल करने से वाटरमार्क हट जाएगा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत काम की ऐप है। हाँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तू वीटा ऐप को अभी इंस्टॉल कर। हाँ मैं अभी करता हूँ। अच्छा भैया ऐप तो इंस्टॉल हो गई है, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए,
हाँ मैं सोच रही हूँ कि कल मायके चली जाऊँ, बहुत दिन हो गए हैं इसलिए। अरे भाभी कल क्रिसमस है और नया साल भी आने वाला है, ऐसे में घर की लक्ष्मी घर में ही होनी चाहिए, क्यों भैया? हाँ तो तू बाद में चली जाना। इनका फोन? हेलो। अब वहीं पूरी जिंदगी निकाल देगी, अपने घर भी आना है। अरे पर मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, निशा दीदी आए हैं तो तू भी आ जाना। अच्छा दीदी आए हैं? हाँ, और वही ड्रेस पहन के मत आ जाना, ढंग की साड़ी पहन के आना। और हाँ पैसे कितने खर्च किए एक एक रुपए का हिसाब लूंगा मैं, समझी? और हाँ वहाँ पे जाके जब देखो तू ऑनलाइन ही दिखती है, यहाँ पे आके मोबाइल मुझे दे देना ताकि घर काम में तेरा मन लग सके, समझी? देखिए भैया घर की बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है, इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। हाँ तो भाभी आप उठा लो, आप ही का तो काम है। तेरे लिए कुछ नहीं लाएंगे। ओफो भाभी ये आपका घर है, आपका परिवार है, इसमें मेरे बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। अरे भाभी कल क्रिसमस है और नया साल भी आने वाला है, ऐसे में घर की लक्ष्मी घर में ही होनी चाहिए, क्यों भैया? किसी ने सच ही कहा है कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। मैंने भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मम्मा आप मेरे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेने वाले थे ना? और हाँ पैसे कितने खर्च किए एक एक रुपए का हिसाब लूंगा मैं। अब बेटा पैसे नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं मम्मा। रिद्धि बेटा ये लो। मामी जी ये क्या है? आज क्रिसमस है ना तो मैं झीनल के लिए गिफ्ट लेने गई थी तो सोचा कि आपके लिए भी ले लूं, आखिर आप भी तो मेरी बेटी ही हो। भाभी थैंक यू। लो बेटा। करिश्मा? हाँ लो जल्दी से ये पहन लो, हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। और हाँ ये तुम्हारा फोन। अरे मैं ये नहीं ले सकती, उन्होंने मुझे मना किया है ना इसलिए। अरे आप भैया की चिंता मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगी, आखिर ये मेरा घर भी तो है तो बोलने का हक मुझे भी है। अब जल्दी से जाकर पहन लो। ये हुई ना बात, चलो फाइनली प्लान सक्सेस हुआ। हेलो। हाँ जीजा जी थैंक यू पूजा के कल ठिकाने लगाने के लिए। हाँ मैरी क्रिसमस जीनल। मैरी क्रिसमस।